भाई लोग आज बात करने वाले आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज की मंडे नाइट रॉ में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। आज मंडे नाइट रॉ में थोड़ी रोड रिटर्न कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ मंडे नाइट रॉ में होना था, लेकिन इतना खास मंडे नाइट रॉ आज के देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई चलिए बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। भाई मंडे नाइट रॉ में सबसे पहले बात करते हैं फिन बैलर और डेमियन प्रिज के बीच। गाइस फिन बैलर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, जो कि डेमियन प्रिज को हरा के बने थे। गाइस उनका आज मैच था डेमियन प्रिज से, जो कि नॉन टाइटल मैच था। गाइस ये मैच अच्छा था, लेकिन गाइस यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी बीच में आ गए। ऑस्टिन थ्योरी भी बीच में थे, पता नहीं ऑस्टिन थ्योरी रोली क्या दिखाना चाहती है। यो पैट मैकफी के साथ भी लड़ेंगे और वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बीच भी भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस फिन बैलर ने किसी भी तरीके से मैच में गाइस रिटेन किया। इसके अलावा शो में देखने को मिले अपने रेटेड आर्ट सुपरस्टार एज। गाइस एज आए और वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्राउड भी उनको आज चैंट नहीं कर रहा, चैंट तो कर रहा था लेकिन उनका चैंट नहीं कर रहा था, उनको यूसक के नारे लगा रहा था। तो गाइस यहाँ पे एज आए, एज बोले कि देखो मैं जब पहले अच्छा था तुम लोग मुझे अच्छा बोल रहे थे, देखो मैं तो रोमन रिंग्स पे मैच हार गया, ट्रोलिंग की वजह से मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी नहीं पा सका, और देखो आज मैं आ गया हूँ न्यू एज है जो कि अब सभी को हरा के रखने में पता चल जाएगा क्या करेगा ये एज। इसके अलावा बात करते शो की जो कि मेन खबर है सेठ रोलिंस के बारे में। गाइस सेठ रोलिंस जो कि बैक स्टेज में केविन ओवन से बात करते हैं। केविन ओवन बोलते हैं कि अरे मेरे को बुरा लग रहा है तेरा कोई मैच नहीं है। सेठ रोलिंस बोलते हैं आज मैं बताऊंगा अपने बारे में डायरेक्शन। तो बोलते ठीक है। गाइस के सेठ रोलिंस रिंग में आते हैं केविन ओवन्स के साथ और केविन ओवन्स और सेठ रोलिंस बातें करते रहते हैं। सेठ रोलिंस बोलते हैं कि क्यों ना एक मैं भी तेरे जैसे शो करूं, उसको फेकिंग शो बोल दूं, या फिर जो रोलिंस रिपोर्ट आती थी पहले उसके नाम से बोल के मैं भी करूं और मेरे गेस्ट होंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इतने केविन ओवन्स का दिमाग खराब हो जाता है। केविन बोलते हैं क्या ये तो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन गाइस दोनों के बीच बहस होने लगती है। सेठ रोलिंस बोलते हैं बाद में केविन ओवन्स अगर अच्छा चला जो अपन मैच लड़ लेते हैं, जो जीतेगा वही शो करेगा स्टोन कोल्ड के साथ होस्ट। इतने में सोनिया डेविल आती है। सोनिया डेविल बोलती है कि सही बोल रहे हैं सेठ रोलिंस, जो इस मैच में जीतेगा वो होस्ट करेगा केविन ओवन्स के साथ शो। तो गाइस यही था गाइस जो शो के महीने में मैच हुआ सेठ रोलिंस और केविन ओवन्स का, और यहाँ पे सेठ रोलिंस को केविन ओवन्स ने हरा दिया और सेठ रोलिंस गाइस ये अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।